हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिक्स्ड फर्टिलाइज़र या एनपीके फर्टिलाइज़र किस प्रकार किसी भी इंडस्ट्री में बनाया जाता है, इस बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, एनपीके क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनपीके होता क्या है। दोस्तों, एनपीके एक प्रकार का फर्टिलाइज़र होता है जिसका यूज हम खेतों में प्लांट्स में करते हैं। दोस्तों, एनपीके जो है नाइट्रोजीनियस, फास्फेटिक और पोटैशिक तीनों फर्टिलाइज़र का मिक्स होता है एनपीके। यह रहा एनपीके के बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि एनपीके किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो एनपीके बनाने के लिए देखते हैं कौन कौन सी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। पहला है यूरिया या एनी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, दूसरा एसएसपी और टीएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट लेते हैं, तीसरा है केसीएल या K2SO4, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट, चौथा है स्मॉल अमाउंट ऑफ NH3, थोड़ी सी मात्रा में NH3 ले लेते हैं। तो यह रहा एनपीके बनाने के लिए रॉ मटेरियल। एक बार फिर से देखते हैं, यूरिया हो या एनी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हो पहला, दूसरा फास्फेटिक में या सिंगल सुपर फास्फेट हो या ट्राई सुपर फास्फेट हो, तीसरा पोटैशिक फर्टिलाइज़र में या पोटेशियम क्लोराइड हो KCl या पोटेशियम सल्फेट हो K2SO4, और चौथा थोड़ी सी मात्रा में NH3 ले लेते हैं। यह रहा एनपीके बनाने के लिए रॉ मटेरियल। अब हम देखते हैं कि किसी इंडस्ट्री में किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एसएसपी या टीएसपी सिंगल सुपर फास्फेट या ट्राई सुपर फास्फेट और दोनों में से एक और केसीएल या K2SO4 इन दोनों में से एक को बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से, यहाँ पर देखिए दोस्तों एसएसपी और टीएसपी है और नीचे जो है KCl और K2SO4 है, सॉल्यूशन है टैंक में भरा हुआ है। इन दोनों को हम बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से, यहाँ पर बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से क्रशर में भेजते हैं, क्रशर में भेजते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों मटेरियल को क्रश करके बेल्ट कन्वेयर, यहाँ पर देखिए दोस्तों बेल्ट कन्वेयर लगा, बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से हॉपर में कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हॉपर लगा हुआ है, ये हॉपर है, इन बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से हॉपर में इकट्ठा कर लेते हैं तथा यूरिया को बिना क्रश किए हॉपर में इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले हॉपर में इसमें एसएसपी या टीएसपी हॉपर है, दूसरा जो है केसीएल या K2SO4 का हॉपर है, तीसरा जो है यूरिया का हॉपर है। इन तीनों को हम हॉपर में कलेक्ट कर लेते हैं। अब एसएसपी या टीएसपी और केसीएल या K2SO4 को सर्टेन रेशियो में लेकर, एक निश्चित अनुपात में लेकर फीडर की हेल्प से, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक फीडर लगा होता है, जो छोटा छोटा लगा है इसको फीडर बोलते हैं, फीडर की हेल्प से स्क्रू मिक्सर, यहाँ पर देखिए स्क्रू मिक्सर लगा हुआ है, स्क्रू मिक्सर में भेज देते हैं, जहाँ पर दोनों मटेरियल कौन कौन एसएसपी और केसीएल
हो या TSP और K2SO4, इसमें दोनों मटेरियल मिक्स होते हैं। पुनः इस मिक्स मटेरियल को, अब यहाँ पर जो मिक्स प्राप्त स्क्रू मिक्सर से प्राप्त जो मटेरियल होता है उसको हम रोटेटरी ग्रेनुलेटर, यह देखिए रोटेटरी ग्रेनुलेटर लगा है, इसमें हम इस मिक्स मटेरियल को भेज देते हैं तथा यूरिया को यूरिया हॉपर से मेल्ट करके इसी ग्रेनुलेटर में यूरिया को भी भेज देते हैं। अब यहाँ पर रोटेटरी ग्रेनुलेटर से जो प्राप्त मटेरियल के ग्रेनुअल होते हैं, यहाँ पर जो NPK यहाँ से यूरिया भेजते हैं, यहाँ से और जो मिक्स मटेरियल होते हैं दोनों को रोटेटरी ग्रेनुलेटर में भेज देते हैं। यहाँ से जो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र अर्थात NPK यहाँ पर हमारा बन जाता है ग्रेनुअल फॉर्म में। अब इसको हम सुखाने के लिए ड्रायर में भेज देते हैं, ड्रायर में भेजकर इस ग्रेनुअल को सुखा लेते हैं। अब सुखाने के बाद इस ग्रेनुअल को हम स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनर में भेजते हैं। स्क्रीनर में क्या होता है, जो ओवर साइज के पार्टिकल होते हैं उसको हम पुनः स्क्रीनर से निकाल कर ऊपर हम रोटेटरी ग्रेनुलेटर में रिसाइकिल कर देते हैं, और जो फाइन पार्टिकल होते हैं या जो हमें डिजायर साइज के पार्टिकल चाहिए होते हैं उसको हम स्क्रीनिंग से निकाल कर कोटिंग ड्रम में ले जाते हैं, वहाँ पर उसका हम कोटिंग करते हैं। उसके बाद जो हमको प्राप्त मिश्रण होता है या प्राप्त मटेरियल होता है वो हमारा NPK के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में NPK का निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार करते हैं। तो यह रहा NPK का मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।